दोस्तों काफी टाइम से मेरे चैनल की वीडियोस में काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि नीतीश राजपूत की तरह हम शॉर्ट्स एंड वीडियोस कैसे एडिट कर सकते हैं। तो मैंने एक शॉर्ट्स उनकी तरह मोबाइल से ट्राई किया है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया भी है कि मैंने इसको कैसे एडिट किया है। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, इन तीनों में दो चीजें कॉमन है। इन तीनों के ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड्स के केसेस हैं और ये तीनों ही इंडिया से भाग के यूके पहुंच गए हैं। और ये तीन ही नहीं है जो यूके भागे हैं, बल्कि आज तक 5,500 से ज्यादा इंडियन क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर यूके में पॉलिटिकल असाइलम ले चुके हैं। कहने के लिए तो यूके और इंडिया के बीच में 1992 से एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके अंडर अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी क्रिमिनल या फ्रॉडस्टर को वापस लाना चाहे तो प्रोसीजर फॉलो करके वो ऐसा कर सकती है। बट 1992 से आज तक सिर्फ एक ही आदमी वापस आया, जिसका नाम है समीर भाई विनू भाई पटेल। दरअसल जब ये फ्रॉडस्टर इंडिया से भागते हैं तो यूके इनका पूरा स्वागत करता है, अगर इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 2 मिलियन पाउंड हो। और अगर ये 2 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट कर दे तो यूके गोल्डन वीजा ही मिल जाता है। इसके अलावा यूके में ह्यूमन राइट्स के स्ट्रॉन्ग लॉज हैं, जिसकी वजह से ये क्रिमिनल्स काफी प्रोटेक्टेड रहते हैं। इन फ्रॉडस्टर और क्रिमिनल्स के यूके आने से यूके के बैंक में काफी बड़ा पैसा आता है और यूके का वेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग को काफी हद तक फैसिलिटेट करता है। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, इन तीनों में दो चीजें कॉमन है। इन तीनों के ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस हैं और ये तीनों ही इंडिया से भागकर यूके पहुंच गए हैं। और ये तीन ही नहीं है जो इंडिया से भागे हैं, बल्कि आज तक 5,500 से ज्यादा इंडियन क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर यूके में पॉलिटिकल असाइलम ले चुके हैं। कहने के लिए तो यूके और इंडिया के बीच 1992 से ही एक्स्ट्रा एडिशन ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके अंदर अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी क्रिमिनल या फ्रॉडस्टर को वापस लाना चाहे तो प्रोसीजर फॉलो करके ऐसा कर सकती है। बट 1992 से सिर्फ एक ही आदमी वापस आया है, जिसका नाम है समीर भाई विनू भाई पटेल। दरअसल जब ये फ्रॉडस्टर इंडिया से भागते हैं तो यूके इनका पूरा स्वागत करता है, अगर इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 2 मिलियन पाउंड्स हो। और अगर ये 2 मिलियन पाउंड्स इन्वेस्ट कर दें तो यूके गोल्डन वीजा भी मिल जाता है। इसके अलावा यूके में ह्यूमन राइट्स के भी स्ट्रॉन्ग लॉज हैं, जिसकी वजह से क्रिमिनल काफी प्रोटेक्टेड रहते हैं। इन फ्रॉडस्टर और क्रिमिनल्स के आने से यूके के बैंक में काफी बड़ा पैसा आता है और यूके के वेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग को काफी हद तक फैसिलिटेट करता है। एडिटिंग करने के लिए हम काइन मास्टर एप्लीकेशन का यूज करने वाले हैं, तो सिंपली आपको न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है और शॉर्ट्स के लिए आपको 9:16 के एस्पेक्ट रेशियो में क्लिक करके क्रिएट में क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो अपनी वीडियो को रिकॉर्ड किया है उसको यहाँ पर हमें ऐड कर लेना है। इसके बाद जाना है आपको लेयर में, फिर मीडिया में क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी इमेजेस को यहाँ पर ऐड कर लेना है। फिर इसमें हम इन एनिमेशन लगा देंगे स्केल डाउन और इसकी टाइमिंग को भी हम कम कर लेंगे। इसी तरह से आपको तीनों इमेजेस में करना है। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, इन तीनों में अब हम की बटन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं तीनों इमेजेस में की बटन को लगा लेता हूँ एक लाइन में, और जब हम सेकंड वाला की बटन यूज करेंगे तो थोड़ा सा इसको मूव करते हुए दिखाएंगे नीचे की ओर। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, इन तीनों में दो चीजों। इसके बाद प्लेहेड को आगे लेकर आना है। अब यहाँ पर कैप्चर टूल बटन में क्लिक करके कैप्चर एंड ऐड एज लेयर में क्लिक करना है। अब इस इमेज को थोड़ा जूम कर लेना है। अब प्लेहेड को थोड़ा सा आगे लेकर आना है और यहाँ से इसको स्प्लिट कर देना है और इसके बाद इसे थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे और इसी तरह से हम एक बार और करेंगे। इसके बाद जाना है लेयर में, फिर जाना है टेक्स्ट में और यहाँ पर हम टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। टेक्स्ट में आप आउटलाइन लगा सकते हैं, शैडो लगा सकते हैं और कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं।
अब यहाँ पर मैं एक विग्नेट नेम से इफेक्ट है उसको ऐड करने वाला हूँ लेयर में जाके। अब मैं सिंपली इसके सेटिंग में क्लिक करूँगा और इसके कलर को रेड कर दूँगा। अब इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा हम कम कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं एक फ्रॉड नेम से पीएनजी इमेज है उसको ऐड कर लूँगा और इसमें इन एनिमेशन भी ऐड कर लूँगा। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, इन तीनों में दो चीज़ें कॉमन है। इन तीनों के ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस हैं और ये तीनों। अब यहाँ पर मैं मैप और एरोप्लेन का जो एनिमेशन था उसको एडिट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा लेयर में और लेयर में जाके मीडियम क्लिक करके जो मैप वाली इमेज है मैं यहाँ पर उसको ऐड कर लूँगा। इसको आप सिंपली गूगल में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस मैप में की बटन का यूज़ करने वाला हूँ। फिर इसे हम सेंड टू बैक कर देंगे थ्री डॉट में क्लिक करके। अब इस तीनों इमेज में हम फिर से की बटन का यूज करेंगे और इसके आउट एनिमेशन को फेड कर देंगे। अब लेयर में जाना है, फिर मीडियम क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैं एक पीएनजी इमेज को ऐड करने वाला हूँ, एरोप्लेन वाला। अब इस मैप को और जो एरोप्लेन का पीएनजी है इन दोनों को हम सेंड टू बैक कर देंगे थ्री डॉट में क्लिक करके। तीनों ही इंडिया से भागकर यूके। तीनों ही इंडिया से भागकर यूके पहुंच गए हैं। अब हम करने वाले हैं न्यूज आर्टिकल एनिमेशन। तो आपको इमेज एसेट्स में क्लिक करना है और यहां से एक वाइट इमेज को ऐड कर लेना है। अब मैंने एक न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट ले रखा है तो उसको यहां पर मैं ऐड कर लूंगा। तो स्टार्टिंग में इसे छोटा ही रखना है, फिर आपको इसको प्लेहेड को आगे लेके आना है और इसको स्प्लिट कर देना है सीजर में क्लिक करके। अब स्प्लिट करने बाद इसको थोड़ा सा हमें जूम करना है, फिर हमें प्लेहेड को थोड़ा सा आगे लेके आना है और फिर से इसको स्प्लिट करना है और फिर से इसको जूम कर लेना है।
साउंड इफेक्ट के बारे में हम वीडियो में आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक ब्लर इफेक्ट को ऐड करने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा पीएनजी इमेज को यूज करने वाला हूँ, जो कि मैंने इसी वाले आर्टिकल से क्रॉप करके बनाया है। अब मैं इस पीएनजी में इन एनिमेशन ऐड कर लूंगा और एक ओवरऑल एनिमेशन भी ऐड कर लूंगा। अब इसी तरह से मैंने एक न्यूज आर्टिकल और ऐड किया हुआ है, सेम इसी तरह से मैं इसको भी क्रॉप करना है और जूम करते हुए दिखाना है। अब इसमें हम हाइलाइटर ऐड करेंगे। इसके लिए आपको लेयर में क्लिक करना है, फिर आपको हैंडराइटिंग में क्लिक करना है और यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। इसके बाद सिंपली आपको इस वाले आइकन में क्लिक करना है, फिर आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। अब आपको इसके इन एनिमेशन में क्लिक करना है और यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है वाइप राइट, फिर आपको इसके ब्लेंडिंग में क्लिक करना है और यहाँ से इसको कर देना है मल्टीप्लाई। अब हम की बटन का यूज करने वाले हैं दोनों में, न्यूज आर्टिकल में भी और इस हाइलाइटर में भी। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, इन तीनों में दो चीज़ें कॉमन है। इन तीनों के ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस हैं और ये तीनों ही इंडिया से भागकर यूके पहुंच गए हैं। और ये तीन ही नहीं है जो इंडिया से भागे हैं, बल्कि आज तक 5,500 से ज्यादा इंडियन क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर यूके में पॉलिटिकल असाइलम ले चुके हैं। कहने के लिए तो यूके और इंडिया के बीच 1992 से ही एक्स्ट्रा एडिशन ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके अंदर अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी क्रिमिनल या फ्रॉडस्टर को वापस लाना चाहे तो प्रोसीजर फॉलो करके ऐसा कर सकती है। अब लेयर में क्लिक करेंगे, फिर मीडिया में क्लिक करके मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा छोटा सा, उसको यहाँ पर ऐड कर लूँगा। अब लेयर में क्लिक करके मैं एक पीएनजी इमेज को ऐड करने वाला हूँ, जो कि मैंने खुद से बना रखा है यूके गोल्डन वीज़ा का। अब इसमें भी हम की बटन का यूज़ करेंगे। अब इसी तरह से मैंने एक एनिमेशन और क्रिएट कर रखा है, जिसमें मैंने उन लोगों के सर का पीएनजी बना रखा है और उसमें मैंने की बटन का यूज़ कर रखा है और स्टार्टिंग में मैंने फेड का इन एनिमेशन भी ऐड कर रखा है।
अब मैं आपको साउंड इफेक्ट के नेम भी दिखा देता हूँ जो मैंने इसमें यूज़ किया था। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर बैकग्राउंड म्यूजिक का नेम देख सकते हैं जो कि मैंने इस शॉर्ट्स में यूज़ किया है। इसके बाद में सभी साउंड इफेक्ट के नेम भी स्क्रीन पर मैं ऐड कर दूंगा, जिसको आप डायरेक्टली गूगल में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने पूरी शॉर्ट्स को एडिट कर लिया है। अब इसमें लास्ट काम रह गया सबटाइटल ऐड करना और इफेक्ट ऐड करना, और कुछ क्लिप ग्राफिक्स को भी हम ऐड करेंगे। तो पहले हम इस ट्रैक को एक्सपोर्ट कर लेंगे और फिर हम न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करके बाकी एडिटिंग करते हैं। अब दोबारा से आपको न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है और सेम वैसी शॉर्ट्स के लिए अपना एस्पेक्ट रेशियो ले लेना है और क्रिएट में क्लिक कर देना है, और अभी जो आपने शॉर्ट्स एक्सपोर्ट किया था उसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब जहाँ भी आपको क्लिप ग्राफिक्स को ऐड करना है तो सिंपली आपको प्लेहेड को वहाँ पे लेके जाना है और सीजर में क्लिक करके अपने वीडियो को वहाँ से स्प्लिट कर लेना है। फिर आपको क्लिप ग्राफिक्स में क्लिक करना है और यहाँ से जो मैंने यूज़ किया था उसका नाम है इन एनिमेशन। तो इन एनिमेशन नाम से क्लिप ग्राफिक्स है जिसमें से मैंने एक क्लिप ग्राफिक्स को यूज़ किया था। इसके बाद आप देखेंगे तो आपकी वीडियो में एक येलो कलर की लेयर आ जाएगी, तो सिंपली आपको इस लेयर में क्लिक करके इसके लेंथ को थोड़ी कम कर लेनी है, मतलब सिर्फ स्टार्टिंग में ही रखना है। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ भी आपको क्लिप ग्राफिक्स को ऐड करना है सिंपली आपको स्प्लिट कर लेना है और सेम इसी तरह से आपको यूज कर लेना है। अब ऑडियो में क्लिक करके यहाँ पर मैं एक साउंड इफेक्ट को भी यूज़ करने वाला हूँ। जहाँ जहाँ पे आपने क्लिप ग्राफिक्स को यूज़ किया है वहाँ वहाँ पे हमें साउंड इफेक्ट को भी यूज़ करना है। तो साउंड इफेक्ट का नाम है वूज करके, तो सिंपली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और वैसे ये काइन मास्टर में पहले से भी मिलता है। अब हम एक इफेक्ट को ऐड करेंगे जिसका नाम है स्पाइरल। अब इसमें हम थोड़ी सेटिंग कर लेंगे अंदर से, इसके बाद हम इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे। अब स्क्रीन पर जहां जहां पे आप हो वहां वहां से हमें इसको स्प्लिट करके हटा लेना है, और बाकी जगह जहाँ जाए वहाँ वहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेंगे। अब लास्ट काम रह गया है सबटाइटल ऐड करना। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। तो आपको जाना है लेयर में, फिर आपको टेक्स्ट में क्लिक करना है, और यहाँ से आपको सिंपली एक डॉट ऐड कर लेना है।
इसके बाद आपको इसके बैकग्राउंड कलर में क्लिक करके इसको ऑन करना है और इसके बाद आपको इसके फुल बैकग्राउंड को भी ऑन कर लेना है। अब इसको स्लाइड करके इसको थोड़ा किनारे कर लेना है और जिस जगह पे आप सबटाइटल ऐड करना चाहते हैं वहाँ पर इसको ऐड कर लेना है। अब यहाँ से आप सारे टेक्स्ट को ऐसे ही हम ऐड कर लेंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपली आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको सारे टेक्स्ट को ऐड कर लेना है और इसका फॉन्ट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। नीरव मोदी विजय माल्या नीरव विजय माल्या नीरव मोदी ललित मोदी, इन तीनों में दो चीज़ें कॉमन है। इन तीनों के ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस हैं और ये तीनों ही इंडिया से भागकर यूके पहुंच गए हैं। और ये तीन ही नहीं है जो इंडिया से भागे हैं, बल्कि आज तक 5,500 से ज़्यादा इंडियन क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर यूके में पॉलिटिकल असाइलम ले चुके हैं। कहने के लिए तो यूके और इंडिया के बीच 1992 से ही एक्स्ट्रा एडिशन ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके अंदर अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी क्रिमिनल या फ्रॉडस्टर को वापस लाना चाहे तो प्रोसीजर फॉलो करके ऐसा कर सकती है। बट 1992 से सिर्फ एक ही आदमी वापस आया है, जिसका नाम है समीर भाई विनु भाई पटेल। दरअसल जब ये फ्रॉडस्टर इंडिया से भागते हैं तो यूके इनका पूरा स्वागत करता है, अगर इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 2 मिलियन पाउंड्स हो, और अगर ये 2 मिलियन पाउंड्स इन्वेस्ट कर दें तो यूके गोल्डन वीजा भी मिल जाता है। इसके अलावा यूके में ह्यूमन राइट्स के भी स्ट्रॉन्ग लॉज हैं, जिसकी वजह से क्रिमिनल काफी प्रोटेक्टेड रहते हैं। इन फ्रॉडस्टर और क्रिमिनल्स के आने से यूके के बैंक में काफी बड़ा पैसा आता है और यूके के वेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग को काफी हद तक फैसिलिटेट करता है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और आप किसकी तरह एडिटिंग सीखना चाहते हैं कमेंट में मुझे जरूर बता दीजिएगा।